लॉकडाउन के बीच एक हैरान करने वाली खबर आई है। नागपुर में चोरों ने एक शराब की दुकान में हाथ साफ कर दिया। चोरों की ये पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि कुछ लोग दुकान के अंदर घुसे और बड़ी आसानी से वहां अलमारियों में पड़ी बोतलों को उठाते गए। आरोप है कि चोर दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए भी लेते गए। बताया गया कि 24 घंटे के अंदर नागपुर में शराब की दूसरी दुकान में चोरी की गई है। यही नहीं, लॉकडाउन के बाद से अब तक नागपुर में शराब की 5 दुकानों में चोरी हो चुकी है। लॉकडाउन के समय पुलिस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। सूरत के एक इलाके से ड्रोन से ली गई एक ऐसी ही तस्वीर हैरान करने वाली है। वहां की एक सोसाइटी में कुछ लोग छत पर जमा होकर पार्टी की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त पुलिस को ये ड्रोन वहां पहुंचा और वो लोग दिखाई पड़ने लगे। ड्रोन को देखते ही कई लोग तो वहां से भाग गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी वहीं बैठे रहे। पुलिस ड्रोन की मदद से लॉकडाउन तोड़ने वाले ऐसे ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस के इलाज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नाम की दवा मुहैया करवाने की गुजारिश की है। दुनिया भर में कोरोना पर मचे कोहराम के बीच भारत ने पिछले महीने कुछ दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी शामिल है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम से बात कर इस दवा को मुहैया करवाने का निवेदन किया। ट्रंप ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने उन्हें इस बारे में भरोसा दिया है। अमेरिका में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई का कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है। यही वजह है कि अमेरिका में इस दवा की मांग काफी बढ़ गई है। Prime Minister Modi of India this morning, they make large amounts of hydroxychloroquine, very large amounts, frankly. And I said they had a hold because, you know, they have 1.5 billion people. And they think a lot of it. And I said I'd appreciate if they would release the amounts that we ordered, and they are giving it serious consideration. देश भर में कोरोना के मामले 3,000 को पार कर गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 525 नए केस सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। देश भर में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 75 तक पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि 213 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। भारत में संक्रमण के शिकार 9% मामलों में 20 साल तक की उम्र के लोग शामिल हैं, जबकि 21 से 40 की उम्र के लगभग 42% संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। वहीं 41 से 60 साल की उम्र के 33% केस आए हैं और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के मामले 17% हैं। कुल मामलों में 1,023 पॉजिटिव केस तबलीगी जमात से जुड़े हैं, यानी कुल केस का 33% तबलीगी जमात के लोग हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच पड़ताल की। क्राइम ब्रांच की टीम ने मरकज से बैंक खातों समेत कई तरह की जानकारी मांगी है। तबलीगी जमात के मुखिया साथ से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच पहले ही नोटिस दे चुकी है। यही नहीं, साथ से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी तैयार है। देख सकते हैं मेरे पीछे, क्राइम ब्रांच की टीमों ने मरकज के पास जाकर मौका मुआयना किया, क्योंकि अंदर अभी दाखिल नहीं हुए। हालांकि पूरी बिल्डिंग को, जो 6 मंजिला बिल्डिंग है, उसको सैनिटाइज किया गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच के पास मामले की जांच सौंपी गई है, क्योंकि मौलाना साद जो यहां पर मरकज के मुख्य अधिकारी थे, उनके साथ ही 6 सहयोगियों को पुलिस ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस दिया है, जिसके बाद अब क्राइम ब्रांच के पास ये मामला है। क्राइम ब्रांच लगातार उनके नोटिस के जवाब का इंतजार कर रही है, लेकिन यहाँ पर इतने लोग कैसे खड़े हुए थे, उनका पूरा ब्यौरा मांगा गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस में। साथ ही बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, खातों की डिटेल्स हैं, साथ
साथ ही कई ऐसी डिटेल्स हैं जिनके बारे में जानकारी मांगी गई है और क्राइम ब्रांच की टीमें यहां पर पहुंची हैं, इसलिए क्योंकि अब यहां के पूरे चारों तरफ के हालात को मद्देनजर देखते हुए यहां पर जांच की जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाई गई दो तरह की वैक्सीन का ऑस्ट्रेलिया में परीक्षण शुरू कर दिया गया। ये इंसानों से पहले जानवरों पर किया जाने वाला ट्रायल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च करने वाली एक संस्था CSIRO के वैज्ञानिक नेवले की एक प्रजाति पर दोनों वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं और शुरुआती परीक्षण में दोनों वैक्सीन का असर होता देखा गया। इनमें एक वैक्सीन ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बनाई है, जबकि दूसरी वैक्सीन अमेरिका की इनोवियो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तैयार की। वैज्ञानिकों ने बताया कि 3 महीने तक जानवरों पर परीक्षण का असर देखने के बाद ही इसका क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण शुरू होगा। फिलहाल शुरुआती नतीजों से वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस की ये वैक्सीन अगले साल जून तक बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। यूपी में तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना के 94 केस पॉजिटिव केस आए हैं और ये केस राज्य के 27 जिलों में सामने आए हैं। सरकार के मुताबिक जहां केस आए हैं वहां ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है जनप्रतिनिधि के रूप में, जनता में अवेयरनेस के लिए, जनता के बीच में जाकर के जाए बगैर भी अपील के माध्यम से या इस प्रकार के संवाद का सहारा बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण ले भी रहे हैं। लोगों को इसके लिए तैयार करना, क्योंकि ये कोरोना वायरस की जो बीमारी आई है, ये महामारी आई है, ये आज के लिए नहीं, अभी एक वर्ष तक हम सबको विभिन्न प्रकार से सावधान होने के लिए भी सतर्क कर रहा है। एक भी वायरस अगर इसका जीवित रह गया ये हमें परेशान करेगा अभी सर्दियों में। हम लोगों का जो कोरोना का लोड है पिछले 2 दिन में, वो तबलीगी जमात के जो लोगों का, जो लोग आइडेंटिफाई हुए थे और जिनको क्वारंटाइन में डाला गया था, तो कम से कम 94 ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट होने के बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए। यानी पूरे प्रदेश में जो संख्या है वो ओवरऑल संख्या इन ऐसे लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के कारण संख्या प्रदेश की बढ़ी है और साथ साथ जनपदों में जहां अभी तक एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं था उनकी भी संख्या बढ़ी। तो ऐसे में ऐसे जितने भी तबलीगी जमात के लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और फैसिलिटीज़ में जिनका जो है अलग अलग जगह पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, तो ये कहा है कि पूरी निगरानी और पूरी मेडिकल हेल्प और पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि उनके उपचार के लिए कोई कमी भी ना रहे और कहीं आगे फैले भी ना। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के मुताबिक तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 500 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और टेस्ट के बाद कोरोना से जुड़े केस और बढ़ सकते हैं। दिल्ली में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, उसमें 3 मरकज से जुड़े थे। दिल्ली के अंदर अभी लोकल ट्रांसमिशन है, दिल्ली के अंदर अभी स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली के अंदर लोगों को अभी बड़े स्तर के ऊपर एक दूसरे से कोरोना होना चालू नहीं हुआ है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर लगभग 2300 मरकज से जिन लोगों को निकाला गया था उन सब लोगों को, उनमें से 500 लोगों को हमने अस्पताल में एडमिट कराया जिनके सिम्टम्स हैं खांसी के, सांस के, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, फीवर है, उन लोगों को 500 लोगों को हमने अस्पताल में भर्ती कराया, 1800 लोगों को क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इन सब लोगों के 2300 लोगों के टेस्ट हम करवा रहे हैं, अगले 2-3 दिन के अंदर इनके टेस्ट के नतीजे आएंगे। हो सकता है उसके बाद एकदम से दिल्ली के पेशेंट्स बढ़ जाएं, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ चिंता उस बात की है, वैसे सब लोगों की हमें चिंता है, जो मरकज़ के लोग हैं उनकी भी चिंता है, जो फॉरेन से आए थे उनकी भी चिंता है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि दिल्ली के अंदर ये कोरोना फैलना नहीं चाहिए। फैलने से किसी भी हालत में रोकना है, उसको अभी तक हम लोग कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 59 नए केसेस आए हैं और अब दिल्ली में टोटल 445 कोरोना के केसेस हो चुके हैं। एक बार सुनने में लगता है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन जब आप इसकी एनालिसिस करें तो इसमें 445 में
दिल्ली के जो दिल्ली में एक दूसरे को छूने से कोरोना हुआ, उस तरह के दिल्ली के केवल 40 केस हैं। 445 में से दिल्ली के केवल 40 केस हैं जो कि दिल्ली में एक दूसरे को छूने से हुए हैं। बाकी सारे केसेस या तो मरकज़ के हैं और या विदेशों से जो लोग आए थे। आप लोग को याद होगा कि पिछले महीने दो महीने से जितनी फ्लाइट्स विदेशों से भारत आ रही थी, भारत में आने के बाद उनको एयरपोर्ट से सीधा 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ले जाया जाता था। तो उनमें कुछ लोग पॉजिटिव निकलते थे, उन लोगों को फिर अस्पताल ले जाया जाता था। तो विदेशों से जो लोग कोरोना का की बीमारी लेके आए और मरकज़ के जितने मरीज थे, इन दोनों को अगर निकाल दो तो दिल्ली के अंदर जो एक दूसरे को छूने से दिल्ली वालों के जो केस हुए, वो 445 में से केवल 40 केस हैं। ये मेरे लिए एक ऐसी बात है जो कि मुझे मेरी चिंता को दूर करती है कि अभी दिल्ली में केसेस फैलने लगे, कोरोना फैलने नहीं लगा है। बोस्निया की राजधानी सारायेवो में कोरोना से बचाव के लिए सरकारी इमारतों के बाहर खास तरह के टनल लगाए गए हैं। बोस्निया में कोरोना वायरस के करीब 500 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोरोना को और फैलने से रोकने के लिए वहां इमारतों के बाहर दवा का छिड़काव करने वाले टनल लगाए गए हैं। वहां कई लोग एक सरकारी दफ्तर के बाहर लगे टनल से गुजरते दिखे। इस टनल में छोटे छोटे पाइपों का एक जाल मौजूद है जिनसे केमिकल का छिड़काव किया जाता है। जैसे ही टनल से कोई गुजरता है उसके ऊपर दवा का छिड़काव शुरू हो जाता है। दफ्तर आने जाने वाले सभी लोगों के लिए इस टनल से होकर गुजरना जरूरी है। ट्रायल कामयाब होने के बाद अब ये टनल वहां की दूसरी इमारतों के बाहर भी लगाए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद नगर निगम ने कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों के अलावा अब रिहायशी इलाकों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसकी एक झलक पूर्वी दिल्ली के झील खुरेजी इलाके में दिखी, जहां नगर निगम के कुछ कर्मचारी टैंकर की मदद से पूरे इलाके को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के झील इलाके में, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है ईस्ट एमसीडी के द्वारा। आप देखेंगे कि सड़कें, दुकानें, गलियों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान निगम के कुछ कर्मचारी कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक करते भी दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील भी की। 1 से 1.5 मीटर की दूरी निश्चित रूप से बनाकर रखें। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में रोजाना इसी तरह की 20 गाड़ियों से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन तोड़कर बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त होती जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है, इसके बावजूद यूपी के औरैया में कई लोग सड़क पर घूमते दिखे, जिन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनकी गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल दी। पुलिस ने सड़कों पर गाड़ियों से निकले लोगों से पहले पूछताछ की और फिर ठीक जवाब नहीं मिलने पर उनकी गाड़ियों की हवा निकाल दी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर जगह जगह तैनात पुलिस वाले सड़क पर निकली लगभग हर गाड़ी को रोककर लोगों से पूछताछ करते नजर आए। पुलिस वालों ने कई लोगों से घर लौटने की अपील की, जबकि कई लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें जबरन उल्टे पैर लौटा दिया। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई की धारावी कोरोना की चपेट में आती दिखाई दे रही है। वहां 2 दिनों पहले हुई एक मौत के बाद अब 2 और नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। अब तक धारावी में कोरोना के 5 मरीज मिल चुके हैं। बेहद घनी झुग्गी बस्ती होने की वजह से वहां बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस वालों ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सड़क पर ही योग करने की सजा दी। सड़क पर घूम रहे लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने सभी से योग करवाया, साथ ही उन सबको हिदायत दी गई कि वो दोबारा इस तरह से सड़कों पर नहीं निकले। यही नहीं, वहां पीएम मोदी की आज रात 9:09 तक दिए, मोमबत्ती और मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाने की अपील के बाद लोगों को मोमबत्तियां भी बांटी गई। पंजाब के मोगा में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों ने एक गर्भवती महिला की जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक गर्भवती महिला को उसका परिवार पहले सरकारी अस्पताल ले गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, पर वहां भी कर्मचारी नहीं मिले।
ऐसे में महिला के पति की परेशानी देखकर दो पुलिस वालों ने दो महिलाओं को बुलाया जिन्होंने सड़क पर ही बच्चे को जन्म करवाने में मदद की। पुलिस वालों की मदद से महिला और बच्चा दोनों की जान बच गई। जो इनका एक्ट है बिक्कर सिंह और सुखचंदर सिंह कांस्टेबल का, ये बहुत बड़ा ह्यूमन एक्ट है और इसको बहुत अप्रिशिएट किया डीजीपी पंजाब श्री दिनकर गुप्ता जी ने। सुबह मेरे को खुद फ़ोन करके अप्रिशिएट किया मोगा पुलिस को, और इनको भी हम जो है अवार्ड सूटेबल अवार्ड जो है वो देंगे, जिसके लिए मैं अपनी रिकमेंडेशंस एक दो दिन में डीजीपी साहब पंजाब को भेज रहा हूँ। यूपी के लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी की आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की अपील पर लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लोगों ने एक दिन पहले ही इसकी रिहर्सल भी कर ली। लोगों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई जबकि कई लोगों ने घरों में दीपक भी जलाए। कोरोना से लड़ने के लिए लोग पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट लोगों को अपने घरों की लाइट बंद करके दीपक जलाना है, टॉर्च जलाना है या फिर मोमबत्ती। मशीनें चलेंगी यानी फ्रिज और जो आपकी मशीनें वो चलती रहेंगी। उसकी प्रैक्टिस लखनऊ के इस ओमेक जो अपार्टमेंट है वहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अपने हाथों में मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है वो जलाएँ, जो ऊपर दीपक लिए हैं देखिए दीपक उन्होंने जलाया हुआ है। उसके ऊपर अपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि लोग आज से ही तैयारी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाना है, और इसकी प्रैक्टिस लोगों की तरफ से की जा रही है। इस पूरे अपार्टमेंट में लोगों ने दीपक भी जला रखा है, मोबाइल की फ्लैश लाइट भी जला रखी है, और उसको हिलाकर इशारे से भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको करना है। जो और अपार्टमेंट है आप यहाँ हमारे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए यहाँ भी लाइट मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है वो जलाया उन्होंने अपने हाथों से, उसको लगातार वो एक 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 दिशा से दूसरी तरफ को दिखा रहे हैं। और जो दूसरे अपार्टमेंट्स हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं कि वहाँ भी जो मोबाइल की फ्लैश लाइट है वहाँ भी आपको जलती दिखाई देंगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बच्चे भी बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एसएसपी के ऑफिस में शहर के कुछ छोटे बच्चे अपनी अपनी गुल्लक लेकर पहुंचे और अपना पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। इन छोटे बच्चों ने भी अपनी गुल्लक एसएसपी उधमपुर को सौंपी। एसएसपी उधमपुर ने इसके लिए बच्चों का धन्यवाद किया। 3 से 4 बच्चों ने अपने फैमिलीज के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट किया और ये बता कहा कि हम पीएम केयर्स रिलीफ फंड में कुछ पैसे देना चाहते हैं। तो उनसे बात होने पर ये पता चला कि उनका जो पिगी बैंक है उसमें जो उन्होंने कुछ छोटे मोटे अपने खरीदारी के लिए जो उनको कुछ मिला हुआ था उसका जो पैसा है वो डोनेट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि छोटे बच्चे आगे आ करके अपना पिगी बैंक या ज़रूरत का जो सामान है उसको पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर रहे हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है। पीएम मोदी ने आज रात 9 बजे 9 मिनट तक दिए मोमबत्ती और मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाने की अपील की है। कोरोना के खिलाफ जंग में सामूहिक शक्ति दिखाने के लिए की गई पीएम मोदी की इस अपील के बाद दूसरे लोग भी बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। हम रात की 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर के सभी जितनी भी हमारी लाइटें हैं उनको बंद कर दें और 9 मिनट तक अपनी ऊर्जा से अपने उस प्रकाश से जो हम स्वयं दिया जलाएं, स्वयं मोमबत्ती जलाएं, स्वयं टॉर्च से उस रोशनी को करें और उस अंधकार को मिटाने में हम सफल होंगे। 5 अप्रैल रात 9 बजे 9 मिनट तक या तो हम दिया जलाएं, या तो टॉर्च जलाएं, या मोमबत्ती जलाएं, या फिर मोबाइल का फ्लैश जलाएं, या कैसे भी एक प्यारी सी रोशनी प्रकट करें, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हमारी एकजुटता दिखनी भी चाहिए। रात को 9 बजे फक्त 9 मिनट के वास्ते घर का लाइट वीट बत्ती वित्ती बंद करने का, और अपने घर की विंडो पे नहीं तो टेरेस पे नहीं तो बालकनी में किधर भी आ जाने का बाहर सब लोग आ जाने का। हाँ, और उधर टार्च अगर टार्च है ना तो टार्च ऐसा लाइट ऐसा करने का, हाँ मोबाइल का फ्लैश लाइट भी ऐसा करने का, नहीं तो दिया जलाएंगे ना दिया, वो दिया जो जलने के बाद ऐसा ऐसा हिलेगा भाई, और इधर दिया जलाने का ये सब आके जलाने का, यही टाइम है यूनिटी दिखाने का।
पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुलिस वाले अलग अलग इलाकों में जाकर गाने गा रहे हैं। दक्षिण कोलकाता के रवींद्र सरोवर इलाके में पुलिस के जवान पहुंचे, वहां गाने गाकर लोगों का मनोरंजन किया। इसी तरह बैरकपुर में भी पुलिस ने कई इलाकों में गाने गाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। लोगों ने भी पुलिस की इस पहल का स्वागत किया और उनका साथ भी दिया। दूरे दूरे थाको, शोरे शोरे थाको, हाथ धुए राखो, मस्त ओढ़े थाको, अजथा तुमको छोड़ियो ना। कोरोना कोरोना डरो ना, कोरोना के बढ़ते देखो ना। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कार्यक्रम के तहत शहर को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया। सुरजेवाला ने खुद ट्रैक्टर चलाकर सैनिटाइजर मशीन को शहर में इस्तेमाल के लिए भेजा। हालांकि इस बीच वहां काफी भीड़ भी देखी गई, जिसके बाद हरियाणा सरकार के विज्ञापन विभाग के चेयरमैन रॉकी मित्तल ने सुरजेवाला के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमने पूरे हरियाणा वासियों को एकता का परिचय देना चाहिए, घरों में रहना चाहिए और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो गलती जमातियों ने की थी, वही गलती आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की। और इसके खिलाफ मैंने जो हमारे कोरोना के नोडल अधिकारी हैं हरदीप धूम जी और जो हमारे एसपी साहब हैं शशांक कुमार सावन और सुजान सिंह, जो हमारे कैथल के डीसी हैं उपायुक्त हैं, उनको मैंने लिखित शिकायत दी है ताकि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोरोना वायरस से हो रही मौतों के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच इटली के ज्यादातर शहर बिल्कुल वीरान हो गए हैं। इटली में कोरोना की वजह से अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगभग सभी बड़े शहर पूरी तरह ठप पड़ चुके हैं। लोगों से खचाखच भरा रहने वाला फ्लोरेंस शहर भी बिल्कुल वीरान नजर आया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में वहां की सड़कें और दूसरी जगहें पूरी तरह सुनसान नजर आईं। अर्नो नदी पर बने ऐतिहासिक पुल पर भी सन्नाटा छाया दिखा। सड़कों पर एक भी गाड़ी चलती नहीं दिखी। शहर की जिन ऐतिहासिक इमारतों के बाहर सैलानियों की भीड़ होती थी, वहां एक इंसान तक नजर नहीं आया। कोरोना वायरस की वजह से इटली में पूरी तरह लॉकडाउन लागू है और लोगों को घर पर ही रहने के निर्देश हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इटली की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आंकड़ों के मुताबिक इटली में वहां कोरोना वायरस के कुल मामले 1,10,000 तक पहुंच चुके हैं, जबकि इस जानलेवा वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 13,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। इनमें भी 5,500 से ज्यादा मौतें तो सिर्फ पिछले एक हफ्ते के अंदर हुई हैं, जबकि इतने ही दिनों में वहां 42,000 नए मामले सामने आए। इटली में मरीजों का इलाज कर रहे 46 डॉक्टरों की भी कोरोना से मौत हो चुकी, जबकि मेडिकल स्टाफ के करीब 6,000 लोग भी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,374 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 472 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना की वजह से 77 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 266 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, तेजी से अब ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। जसप्रीत, सही कहा आपने, क्योंकि 24 घंटे में 472 मामले, पहले भी देखा होगा कि एक हफ्ता पहले ये मामले बहुत करीब 4 या 5 या 10 के आसपास बढ़ते थे, लेकिन अब 472 एक बड़ा आंकड़ा है और 24 घंटे में 9 लोगों की मौत भी हुई है और ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 77 पहुंच चुका है। लेकिन हाँ, ठीक होने वाले मामले भी बढ़ रहे हैं, ठीक होने वाली कुल संख्या भी 267 पहुंच चुकी है, लेकिन अब ये आंकड़ा जो टोटल पॉजिटिव केस हैं वो 3,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। 3,374 मामले देश भर में अब तक सामने आ चुके हैं। राजस्थान के दौसा में कर्फ्यू तोड़ने वालों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। दौसा में एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बावजूद कई इलाकों में लोग कर्फ्यू तोड़ते हुए नजर आए तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरती। पुलिस के जवानों ने जहां भी भीड़ देखी दौड़ा दौड़ा कर लोगों पर डंडे बरसाए। चाहे सड़कें हों, दुकानें हों या फिर गलियां, सभी जगह पुलिस लाठियां बरसाती हुई दिखाई दी। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर कुछ बुजुर्ग भी दिखे, जिन्हें पुलिस ने घर जाने की हिदायत दी।
लॉकडाउन के बीच कोई भूखा ना रहे, इसके लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंदों को रेलवे की तरफ से खाना देने का सिलसिला जारी है। कामकाज ठप होने की वजह से रोजाना कमाकर खाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यही वजह रही कि रेलवे की तरफ से निजामुद्दीन स्टेशन पर जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा गया। खाना देने के दौरान वहां सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद लोगों से फासला बनाकर खड़े रहने की हिदायत देते नजर आए। महिलाएं और छोटे बच्चे भी वहां खाने का पैकेट लेते दिखे। सारी दुकानें बंद है, रोड वगैरह गाड़ी वगैरह सब बंद है, ना काम वगैरह हो रहा है, फिर भी खाना मिल रहा है हम लोग को, ये लोग की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। यही नहीं, इस दौरान रेलवे पुलिस का एक जवान लाइन में खाना लेने के लिए खड़े लोगों को सैनिटाइजर देता दिखाई दिया ताकि लोग साफ हाथों से खाना खा सके। इसके अलावा खाना लेने के लिए पहुंचने वाले लोगों को मास्क भी दिया गया। सोशल साइट्स पर दावा किया जा रहा है कि खतरनाक रूप ले चुका कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के देसी इलाज का एक नुस्खा वायरल है। दावा किया गया कि नीम के पत्ते और उससे बना सैनिटाइजर आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है, लेकिन सच क्या है इस रिपोर्ट में हम देखेंगे। घर के दरवाजे पर नीम का पत्ता लटकाया गया है। ये तस्वीर दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस देसी इलाज का नुस्खा है जिसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पेश किया जा रहा है। तस्वीर के साथ एक मैसेज भी है जिसमें लिखा है, चलिए अपने जड़ों और कल्चर से जुड़ते हैं। मैंने अपने घर के दरवाजे पर नीम का बंधनवार लगाया है। आप महंगे सैनिटाइजर के चक्कर में मत पड़िए। हमारा पुराना पारंपरिक नीम सबसे अच्छा सैनिटाइजर है। जब पुराने समय में कोई बीमार हो जाता था या फिर चेचक खसरा हो जाता था तो मरीज के दरवाजे पर नीम का बंधनवार ही बांधा जाता था। तो कोरोना क्या बला? कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद भारत में सैनिटाइजर की मांग 500% से ज्यादा हो गई है। दवाई की दुकानों पर 10 में से 8 ग्राहक सैनिटाइजर मांग रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने 24 मार्च से ही सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में तमिलनाडु के रमानाथपुरम जिले के पेरायूर गाँव में सैनिटाइजर की कमी के चलते तमिलनाडु में लोग हल्दी, नीम की पत्तियों और पानी के मिश्रण का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या कोरोना को देसी नुस्खों से भगाया जा सकता है और नीम के पत्ते सैनिटाइजर का काम कर सकते हैं? दावे के मुताबिक नीम कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन दावे का सच क्या है जानने के लिए हम डॉक्टर के पास पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि क्या नीम से कोरोना वायरस का इलाज संभव है। कोरोना वायरस का इलाज संभव है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, और ये कहना गलत भी है क्योंकि COVID-19 नोवेल कोरोना वायरस है और इस न्यू स्ट्रेन पर नीम या फिर कोई दूसरी मेडिसिनल हर्ब की ना तो अभी तक कोई एंटीवायरल प्रॉपर्टी पर रिसर्च हुई है और ना ही कोई ह्यूमन ट्रायल हुआ है। तो क्या भारत सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है जिसमें कोरोना से बचने के लिए नीम का इस्तेमाल की जानकारी दी गई है? आयुष मंत्रालय की ओर से जो एडवाइजरी आई है उसमें शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं, जैसे रोज सुबह उठकर आधे घंटे तक प्राणायाम या योगासन करना, अपने खाने में हल्दी, जीरा, लहसुन, धनिया, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, इन चीजों को शामिल करना, और साथ ही कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स जैसे तुलसी, गिलोय, इनका इस्तेमाल, कुछ आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं हैं। नीम में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस से लड़ सकता है ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ। नीम के पत्ते सैनिटाइजर जैसा काम नहीं कर सकते क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। वायरस की बाहरी परत चिपचिपी होती है जिसे लिपिड भी कहते हैं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर वायरस के इस परत को नष्ट कर देता है जिसके लिए इसे कम से कम 20 सेकंड का समय चाहिए। इसीलिए डॉक्टर कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह देते हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब तक कोई दवा नहीं बनाई, इसलिए ही 25 मार्च 2020 को एक संवाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वायरस का इलाज खुद न करने की सलाह दी। अभी तक कोरोना के खिलाफ कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बनी है, और इसलिए मैं कहूंगा देशवासियों, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की दवाई का सुझाव दें, कृपा करके
अपने डॉक्टर से पहले बात कीजिए। पैनिक के समय सोशल मीडिया पर डाली गई ऐसी जानकारी सामान्य गति से कई गुना तेज गति से फैलती है या कहें वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर डाले गए फर्जी मैसेजेस कोरोना वायरस से ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की अपील है आपसे कि अगर आपको इस तरीके के कोई मैसेजेस मिलते हैं तो बिना जांचे ना उन पर विश्वास करें और ना ही उन्हें फॉरवर्ड करें। ऐसे समय में हमें इस तरीके के फर्जी मैसेजेस से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं बन पाई, इसलिए भारत सरकार के बताए गए निर्देशों को ही माने, जिसे न्यूज 18 इंडिया हर समय दिखा रहा है। तबलीगी जमात की खबरों ने आम लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन को भी चौकन्ना कर दिया है। पूरे देश में जमात से लौटे लोगों को तलाशा जा रहा है। इस बीच एक वायरल वीडियो ने सभी को चौंका दिया। दावा यह है कि वो महिला कोरोना वायरस से संक्रमित है, वो शहर में घूम रही थी। जब पुलिस ने उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि वो लोगों को संक्रमित करने जा रही है। ये सुनकर जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मारपीट पर उतारू हो गई। वजन बैठा रहे, नीचे बैठा रहे। हमारे तो है ना, मेरे वो की दूसरी वाली। पुलिस के साथ हूं। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं। नहीं, बदतमीजी कर रही पुलिस ऑफिसर के साथ। ये और क्या? वीडियो ने लोगों को चौकन्ना होने के लिए मजबूर कर दिया। ये बदतमीजी क्यों कर रही पुलिस के साथ हूं? वीडियो को गौर से देखिए, इसमें एक महिला एक पुलिस कर्मी से लड़े जा रही है। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो महिला गाली गलौज करने लगी। अरे ये और क्या? बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे। ये वीडियो फेसबुक पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज की बाढ़ है, सभी महिला को कोस रहे हैं। देखो कैसे कैसे लोग इस दुनिया कोरोना फैलाने जा रही थी, पुलिस ने रोका तो उनसे ही भिड़ गई। बहादुर महिला पुलिस को सलाम, जिसने कई लोगों को इस महिला से बचा लिया जो कोरोना फैलाने भीड़ में जा रही थी। सभी इस महिला पुलिसकर्मी को धन्यवाद दें, जिसने इस कोरोना संक्रमित को पकड़कर इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान किया। दावों के मुताबिक नीले रंग का सूट पहनी ये महिला कोरोना वायरस से संक्रमित है। वो लॉकडाउन में पैदल कहीं जा रही थी, पुलिस ने उसे रोका तो वो पुलिस से भिड़ गई। कहने लगी कि वो सभी को कोरोना वायरस से ग्रस्त करने जा रही। अब कई सवाल खड़े होते हैं, क्या वाकई महिला कोरोना वायरस से संक्रमित थी? वीडियो में दिखाई जा रही जगह कहां की है? पुलिस और महिला में लड़ाई की असल वजह क्या थी? अगर दावा सही है तो लड़ाई के बाद महिला का क्या हुआ? वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि महिला ने खुद कहा था कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। इसकी तफ्तीश के लिए हमने 5 मिनट के इस वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से देखा। पहले 2 मिनट तक महिला और पुलिसकर्मी में खींचतान की तस्वीरें, फिर पुलिस वाले महिला को गाड़ी में बिठाने के लिए ले जाने लगे। नहीं, ये पुलिस वाली ने रोका, कहाँ जा रही हो? पैदल पैदल जा रही है, ये कह रही मैं ये बात का चिपट गई मुझे। तभी वीडियो बना रहे पुलिस वाले ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो आप? क्या करने आए थे? नहीं ये नहीं कह रही थी। पुलिस वाले उसे बहुत मुश्किल से कार में बिठा पाते। इस सब के दौरान पुलिस कर्मी की वर्दी भी फट जाती। दोरी को ना वर्दी के वर्दी फाड़ दी ने। वीडियो बनाओ। मुकदमे दर्ज दे, देखो जी वर्दी फाड़ दी इन्होंने पुलिस अफसर की मौके पे। महिला को बिठाने के बाद पुलिस कर्मी संक्रमण के डर से सहमी नजर आती। वो बाकी पुलिस वालों को दूर रहने के लिए कहती है। फिर अपने चेहरे को पानी से धोने लगती है। यहाँ पर वीडियो बना रहा एक पुलिस वाला कहता है, इसने ये धमकी दी है कि मैं बीमारी फैलाने आई हूँ। पुलिस अफसर ने की चेकिंग करी मगर ये एक चपेट गई, इसकी वर्दी की चपेट गई ऑटोमेटिक। हम यहाँ देखने वाले पुलिस कर्मी सारे। पूरे वीडियो में कहीं भी कोरोना शब्द सुनने को नहीं मिला, लेकिन पुलिस कर्मी के मुताबिक वो महिला बीमारी फैलाने जा रही थी।
वीडियो में उस महिला ने खुद के कोरोना संक्रमित होने की बात कहीं नहीं कही। इस वीडियो की हकीकत अभी भी हमसे दूर थी। फिर वीडियो की स्टिल्स निकालकर हमने गूगल पर सर्च करना शुरू किया। फिर हमें मालूम चला कि वीडियो हरियाणा में बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 के चौक का है। हमने उस इलाके के पुलिस थाने से संपर्क किया, फिर सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला को कार में बिठाकर थाने लाया गया था। डॉक्टरों से उसका टेस्ट भी कराया गया, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव मिली। यानी वो महिला कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं थी, वो केवल पुलिस के रोक टोक से छिड़कर मारपीट करने पर उतारू हो गई थी। दिनांक 3 अप्रैल को लॉकडाउन के तहत जो ड्यूटियां हमारे पुलिस विभाग द्वारा की जा रही हैं, उस दौरान सेक्टर 9 मोड़ पर हमारी लेडी कांस्टेबल है, जो जिसका नाम आशा देवी है, वो ड्यूटी कर रही थी। इसी दौरान एक महिला संगीता, जो वाराणसी की रहने वाली बताई गई है, और वो जो फिलहाल छोटूराम नगर बहादुरगढ़ में रह रही है, इस दौरान उस महिला ने हमारी महिला कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की, जिस पर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई है और उस पर मुकदमा हमें गिरफ्तार किया गया। इस वीडियो के दम पर दावा किया जा रहा था कि महिला कोरोना संक्रमित थी, वो लोगों में वायरस फैलाने जा रही थी। इस तरह न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई। कोरोना वायरस की मार झेल रहे अमेरिका की कैलिफोर्निया में करीब 25 से 30 नर्सों ने एक अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इन नर्सों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों के इलाज के वक्त संक्रमण से बचने के लिए उन्हें मास्क और जरूरी उपकरण मुहैया नहीं करवा रहा, जिसके खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए इन नर्सों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। नर्सों ने हाथ में पोस्टर और तख्तियां पकड़कर जमकर नारेबाजी की। नर्सों ने बताया कि बिना सुरक्षा उपकरण के कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों के इलाज के दौरान अगर उन्हें संक्रमण होता है तो उनके जरिए ये और लोगों में भी फैल सकता है। If we're silent carriers because we're not adequately protected and we're carrying it around the community, it's not doing anything for anybody. अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के दौरान इन नर्सों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक साथ मार्च भी किया। लॉकडाउन में लापरवाही बरतने के आरोप में गुजरात में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय मौलवी के साथ मिलकर मस्जिद में नमाज अदा करने गए। राजस्थान की बूंदी में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। बूंदी के रामनगर इलाके में एक तांत्रिक के कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहां बज रहे ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर आसपास के इलाके के लोग भी वहां पहुंच गए। देखते ही देखते कार्यक्रम को देखने के लिए मंदिर के आसपास के मकानों की छतों पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच लॉकडाउन तो तोड़ा ही गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। हालांकि बाद में पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ लिया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दिल्ली में मरकज से कोरोना वायरस के कई मरीज मिले हैं, इनसे संक्रमण फैलने का खतरा भी जताया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा है कि तबलीग के लोग जानबूझकर संक्रमण फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसके साथ ये दावा किया गया है कि मरकज में पहुंचे तबलीगी जमात के लोग एक साथ जानबूझकर छींक रहे हैं ताकि संक्रमण फैल जाए। ये एक वायरल वीडियो जिसे देखकर लग रहा है कि बहुत से लोग एक साथ छींक रहे हैं। वायरल वीडियो के साथ ट्विटर यूजर ने जो संदेश लिखा है वो कुछ इस तरह से है, #NizamuddinIdiots। ये कनिका कपूर की तरह इडियट नहीं है, इनका एक छिपा हुआ एजेंडा है जिस पर ये अमल कर रहे हैं। इस वीडियो में इसी दावे के साथ ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। ट्विटर पर एक और यूजर ने ये वीडियो पोस्ट किया है। इस यूजर ने लिखा है कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो नया है या पुराना, भारत का है या विदेश का, लेकिन धरती पर ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, कोई मुझे इसकी सच्चाई बताएगा? ट्विटर, फेसबुक
और कई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर इस वीडियो को अलग अलग दावों के साथ पेश किया जा रहा है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में इकट्ठा हुए लोग एक साथ छींक रहे हैं ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण फैल जाए। इस दावे के साथ कई सवाल उठते हैं। क्या ये वीडियो तबलीगी जमात के मरकज का है? क्या इस वीडियो में लोग एक साथ छींक रहे हैं? क्या ये वीडियो भारत का ही है? क्या सच में लोग एक साथ छींक रहे हैं? क्या इतने सारे लोग लयबद्ध तरीके से एक साथ छींक सकते हैं? इस दावे की पड़ताल के लिए हमने गूगल पर खोजबीन शुरू की। गूगल पर पड़ताल करते हुए हमें ये वीडियो ट्विटर पर एक बार फिर मिला। गौर से देखिए इस वीडियो को, पाकिस्तान से पोस्ट किया गया। वीडियो के साथ उर्दू में लिखा है कि ये लोग कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि ये वीडियो पाकिस्तान से ट्विटर पर पोस्ट करना शुरू किया गया।